नमस्कार डॉक्टर दीपक केलकर एक्सक्लूसिव में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर दीपक केलकर, वैसे तो इनका नाम ही काफ़ी है, कई सालों से अपनी सेवा दे रहे हो, चाहे वो सेक्स रोग विशेषज्ञ हो, हिप्नोटिज्म के संदर्भ में हो, किसी भी प्रकार के व्यसन के बारे में हो, डॉक्टर साहब का नाम ही इस क्षेत्र में काफ़ी है। डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, वैसे तो हमारे जो दो एपिसोड हुए हैं उसमें हमने काफ़ी कुछ बातें ली है, खास करके सेक्स रोग हो गया या फिर हिप्नोटिज्म हो गया या शराब के जैसे व्यसन को लेकर हो गए। इसका ये जो हमारा एपिसोड है इसमें भी हम मिले जुले ही टॉपिक्स लेंगे ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको समझने में आसानी हो। डॉक्टर साहब, जैसे अगर आप एक सेक्स रोग विशेषज्ञ हैं तो इसमें एक हस्तमैथुन जो आता है इसका क्या अर्थ होता है? हाँ जी, अच्छा सवाल किया आपने। जी हस्तमैथुन, इसका अर्थ यह होता है कि हाथ से किया हुआ मैथुन, जी वो हस्तमैथुन। जी यानी समागम जो है वो, या मैथुन जो है जी वो स्त्री और पुरुष जब जी एक साथ आते हैं तो समागम होता है या मैथुन होता है। जी बिल्कुल मगर शादी के पहले जब जी लड़का उम्र में आता है, जी जी मतलब उसका सेक्स डेवलप हो जी जाता जी है, तो उसको काफी इच्छा होती रहती है जी सेक्स करने की। उस समय क्या होता है कि शिश्न में कड़कपन आ जाता है जी और उसको काफी इच्छा होती है कि सेक्स किया जाए, जी तो वह हाथ से शिश्न को घर्षण करता है जी और उसको उसमें मैथुन जैसा, मतलब सेक्स जैसा, उसमें उसको आनंद आनंद आता आता है है जी और वो आनंद आते आते फिर उसका पतन हो जाता है। जी मतलब जो सीमेन होता है, धातु जो जी होता है, जी वो धातु का पतन हो जाता है जी और धातु का पतन होने के बाद में वो रिलैक्स हो जाता है जी और उसमें उसको अच्छा लगता है। जी तो वो हस्तमैथुन, ये हाथ से किया हुआ एक सेक्स है, जी जी मतलब जिसने खुद ने खुद के साथ में सेक्स किया है समझ के चलो। जी जी डॉक्टर साहब, हस्तमैथुन जैसे आपने कहा कि एकांकी होता है, इसमें अगर दो अगर नहीं रहते हस्तमैथुन अकेले ही करना पड़ता है तो इसके शारीरिक नुकसान हो सकते हैं क्या कुछ? नहीं, इसमें कुछ भी शारीरिक नुकसान नहीं जी है, ये सब गलत फहमियां लोगों में फैलाई गई है। जी जी ये एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, जी मतलब इसमें कुछ भी ऐसा खराब नहीं है कि भाई वीर्य गमा दिया तो कुछ नुकसान होगा, जी जी हाथ से किया तो शिश्न जो है वो बहुत कमजोर हो जाएगा, जी जी ऐसा कुछ भी नहीं है, बीमारी नहीं जी है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जी और जी ये मैं तो बोलता हूँ कि करना अच्छा है, जी करना अच्छा है इसलिए कि उसमें सेक्स जैसा उसको आनंद आता है जी और फिर उसको शादी के पहले जी कहीं बाहर जाने का मन नहीं होगा, जी बिल्कुल उसको यदि शांति मिलती है सेक्स में, उसको समाधान मिलता है वो जी करने में, जी तो उसका मन होगा नहीं कि बाहर जाना और कुछ सेक्स करना करके। तो जी जी बिल्कुल एक्चुअली उससे जो जी मतलब बाकी जो समस्या आ सकती है बाहर जाने से, जी जी या बाहर के औरत के साथ में, मतलब बाहरी औरत जी के साथ में कोई जी सेक्स करने से, तो वो सब समस्या टल सकती है। जी इसलिए हस्तमैथुन कोई गलत नहीं है, एकदम नॉर्मल है और हर व्यक्ति ने वो जी किया तभी कुछ उसमें खराबी नहीं है, खराब और लोग जी करते रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, बचपन से ऐसा बताया जाता है या हम जो धार्मिक किताबें हैं उसमें पढ़ते रहते हैं कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीरनाश यानी मृत्यु, तो ये शब्दों में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच नहीं है। जी ये क्या है कि हमारे किताबों में, आयुर्वेदा में जी ऐसा काफी सारा लिखा हुआ है जी कि वीर्य जो है जी वो अपने पास में रखना चाहिए, अपने जी बॉडी में रखना चाहिए, उसका पात वीर्य पात नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल मतलब ऐसा बोला गया है कि भाई एक वीर्य का बूंद जो है जी वो 80 खून, 80 खून के बूंद के बराबरी के होता है। अब जी तो जब एक बूंद आप वीर्य का नाश करते हो जी तो 80 बूंद खून के चले जाते हैं, जी बिल्कुल ऐसा एक लिखा हुआ है। तो ये जी बिल्कुल सरासर गलत है। जी वीर्य जो है वो रोज तैयार होता है जी और सेक्स के विचार आने से तो जल्दी तैयार हो जाता है, और वो तैयार हुआ वीर्य जो है वो उसको तो बाहर आने का ही है, जी बिल्कुल बाहर आना चाहिए उसने, जी जी बाहर नहीं आएंगे तो अंदर उसका होगा क्या। जी जी जो थैली रहती है वीर्य जमा होने की, जी जी वो थैली में वो जमा होता है जी और वो रोज ही तैयार होता है। जैसा पेशाब रोज हम करते हैं जी बिल्कुल और पेशाब नहीं गया तो क्या होगा, जी पेशाब समझो हम नहीं जाते जी तो थैली और भर जाएगी भर जाएगी जी और एक समय ऐसा आ जाएगी वो बह जाएंगी। भाई जाएगी जी बिल्कुल वैसा वीर्य का है जी कि वीर्य की थैली भर जाती है जी उम्र में आने के बाद में, जी और थैली भरने के बाद में यदि हाथ से नहीं निकाला जी तो वैसे ही बह जाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें स्वप्न दोष का भी एक प्रकार आता है हाँ, तो स्वप्न दोष भी आता है जी कि भाई सपने में गया हुआ वीर्य जो है जी जी तो उसको बोलते हैं स्वप्न। एक्चुअली वो दोष नहीं है, जी
मगर उसको नाम दिया है दोष, दोष जी, स्वप्न दोष, हाँ स्वप्न दोष ऐसा नाम दिया है जी। तो नॉक्चर्नल एमिशन उसको बोलते हैं, मतलब सपने में कोई ऐसे सेक्स के सपने पड़ते हैं जी, और उसमें ऐसा लगता है कि भाई वो कोई लड़की के साथ में है जी, कोई औरत के साथ में है, और उसका फिर वीर्यपात उसमें हो जाता है जी, क्योंकि अंदर थैली भरी हुई रहती है जी, उम्र में आया हुआ है जी, सेक्स उसको पूरा अंदर से आया हुआ है जी, हॉर्मोन्स जो है वो तैयार हुए जी, तैयार हो। तो उसमें फिर सपने में भी धातुपात हो जाता है जी, और वो एकदम सरासर वो भी नॉर्मल है, उसमें कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब आपने हस्तमैथुन में बताया कि पुरुष करते हैं ज्यादातर, तो करती है या तो इसमें क्या स्त्री भी हस्तमैथुन करती है? हाँ स्त्री भी हस्तमैथुन करती है जी, स्त्री को योनि लिंग रहता है जी, जैसा पुरुष का लिंग रहता है वैसा स्त्री को भी योनि लिंग रहता है, एकदम छोटा रहता है जी, जी एक दाने जैसा रहता है जी जी, और स्त्री को भी समाधान यदि सेक्स का होना है जी, और कोई कारण से मतलब उसको समाधान मिलता नहीं है जी, तो शादी होने के बाद में भी शादी होने के पहले भी जी, वो खुद का समाधान शादी होने के पहले कर सकती है हस्तमैथुन करने से जी, जी। और काफी सारी स्त्रियां जो है वो हस्तमैथुन करती है खुद जी, और खुद ने खुद से उसको एक्साइटमेंट लाके जी, उसको भी उसमें शांति समाधान मिलता है जी, तो वो भी कोई गलत नहीं है स्त्री ने हस्तमैथुन करना, और वो भी करते रहते हैं जी जी। डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि हस्तमैथुन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये अगर किसी को आदत हो गई तो इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ क्या है कि हस्तमैथुन जो है वो कोई दवा होती है क्या पट्टी? हाँ एक्चुअली क्या है कि ये आदत मतलब ऐसा है कि आदत कब बोलेंगे इसको जी, आदत तब बोलेंगे कि भाई उसमें वो पूरा दिन भर में वो हस्तमैथुन करते जा रहा समझो जी जी, कोई खासा लड़का है जी जी, और वो दिन भर में हस्तमैथुन किए जा रहा जी जी, है ना, मतलब उसकी इच्छा नहीं होते हुए भी जी जी वो हस्तमैथुन करते जा रहा जी, तो फिर उसमें वो घातक हो सकता है कि बहुत ज्यादा कर रहा है जी जी, और फिर उसमें लिंग में छाले आ सकते हैं जी, क्योंकि समझो घर्षण ऐसा बार बार ऐसा करता है वो जी, तो लिंग में छाले आ सकते हैं बहुत ज्यादा करके जी जी, तो फिर उसको वो मतलब उसको हैबिट हो गई जी, तो दिन में दो बार चार बार छह बार मतलब ऐसा करते रहा जी, उसमें बिल्कुल गुता हुआ है जी जी। दूसरा और एक ये है कि हैबिट कब उसको बोल सकते हैं कि शादी हुई है जी, और शादी होने के बाद में भी हस्तमैथुन करने की कोई आवश्यकता नहीं है जी, बिल्कुल शादी होने के बाद में तो वो समागम करता है मैथुन करता है जी जी अपने पत्नी के साथ में जी, उसके बाद बावजूद भी मतलब पत्नी घर में है और उसके बावजूद भी समझो वो हस्तमैथुन कर रहा है जी, और वो उसके पत्नी के साथ में सेक्स नहीं कर रहा है जी जी, तो फिर उसको बोलते कि नहीं कुछ तो भी उसमें गड़बड़ है एबनॉर्मल है और उसका इलाज करना जरूरी है जरूरी जी। वैसे और ऐसा है कि समझो उसकी पत्नी बाहर गांव गई है जी, काफी दिन से मतलब अकेला है, तो भी लोग शादी के बाद में हस्तमैथुन करते हैं और वो भी नॉर्मल है क्योंकि पत्नी घर में नहीं है तो हाथ से करना क्या प्रॉब्लम है उसमें जी। या पत्नी प्रेग्नेंट है ना, प्रेगनेंसी है उसको जी जी। और प्रेगनेंसी है तो फिर आखिरी आखिरी महीनों में जी जी सेक्स होता नहीं है जी, तो उसमें भी वो कभी करता है जी। या पत्नी बीमार है जिसमें सेक्स अलाउड नहीं है जी, उसमें भी उसकी इच्छा होती है जी। तो ऐसा शादी के बाद में भी नॉर्मल है, मगर जब पत्नी घर में है जी और पत्नी सेक्स करने के लिए तैयार है जी जी और तभी भी कोई हस्तमैथुन कर रहा है जी, तो फिर वो एबनॉर्मल हो सकता है जी। अभी आपने पूछा उसके लिए दवाई का है, तो उसमें कोई दवाई नहीं है ऐसा देखा जाए जी। हम क्या करते हैं कि उसको पूरा समझ लेते हैं, उसके साथ में बातचीत करते हैं, काउंसिलिंग करते हैं, और ऐसे बहुत कम लोग आते हैं कि भाई उसकी हैबिट लग गई, ऐसे बहुत ही कम आते हैं। यूजुअली लोग क्या होता है कि एक दो बार दिन में करते हैं, ये हफ्ते में दो तीन बार चार बार करते हैं, और मगर उससे होता क्या है कि उससे उनको लगता है कि नहीं अपने को शारीरिक कमजोरी आ गई जी जी, उनका वो जा रहा है था, हाँ कि अत्यधिक जो हस्तमैथुन से शारीरिक कमजोरी हो सकती है, क्योंकि कोई पहले ऐसी समझ थी कि गाल फोड़ अगर बढ़ गए किसी हाँ, अगर दुबला अंदर जा रहे हैं आंखें अगर काली हो गए अंदर जैसे धसी हुई दिखाई दे रही, तो एक कुछ तो भी है उसको भी सामने वाले को भी एक मानसिकता हो जाती थी कि यार मैं ये कर रहा हूँ करके मैं कमजोर हो जाऊँ, तो इसमें शारीरिक कमजोरी आती है कैसे? नहीं बिल्कुल ही नहीं है, मैं बोला नॉर्मल है जी। तो होता क्या है कि वो ये करने के बाद में जी जी उसको ऐसा बचपन से ऐसा एक संस्कार है हमारे कल्चर में ऐसा है कि हस्तमैथुन करना गलत है, आयुर्वेदा में बोला हुआ है कि हस्तमैथुन करना गलत है, अपने कुछ संत में नाम लूंगा नहीं उन्होंने भी ऐसा बोला हुआ है कि हस्तमैथुन नहीं करना, ब्रह्मचर्य जो है उसका पालन करना चाहिए करके, और वो सेक्स जो है वो मतलब वीर्य जो है बहुमूल चीज है वो संभाल के रखना है। अब जब इसका पकड़ा दिमाग के ऊपर है तो होता क्या है कि उससे फिर परेशानी दिमाग में एक अपराधीपन की भावना आती है कि मैंने कुछ तो भी गलती किया, मैंने कुछ तो भी अपराध किया जी। और उसको अपना मन अंदरून अंदर खाते रहता है जी। कि मैंने कुछ तो भी गलती किया है, अपराध किया हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए मैंने, ये किया गलत किया, फिर वो कुछ लोगों को पूछता है जी। कि मैंने ऐसा किया, फिर वो भी उसको और नमक मिर्च डालते हैं जी। यार तूने अच्छा नहीं किया, तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था जी। फिर उसको कहता है कि अपनी राह तो नहीं जा रहा जी, इच्छा तो हो रही,
उसमें आनंद तो मिल रहा है और वो करते जा रहा है और उसको मतलब मन अंदर ही अंदर खाते जा रहा है उसको, फिर होता क्या है कि उसमें फिर पीठ में दर्द, सिर में दर्द, फिर भूख नहीं लगना जी, ये ऐसा शुरू हो जाता है। अब समझो उसने भूख नहीं लगना और खाना कम कर दिया जी, तो उसका वजन कम होना है जी, उसके गाल बैठना है, फिर बोलता है देखो मेरा वीर्यपात जो हो रहा है उसके कारण अभी मेरे को कमजोरी आ रही है। एक्चुअली कमजोरी कहाँ से आ रही है? एक तो दिमाग के टेंशन की वजह से, दिमाग में टेंशन है कि अपन हस्तमैथुन कर रहे अच्छा नहीं है, बिल्कुल बुरा है और तभी भी करते जा रहे, तो उससे एक तो अपराधीपन की भावना आती है, गिल्टी, दोषी, खुद को ठहराना और वहां से एक उसको डाउन हो जाना, और दूसरा फिर मैं बीमार हूं, बहुत धातु जा रहा है, मैंने कितना खून मेरा लॉस कर दिया जी, मेरा खून बहुत जा रहा है, मैं कमजोर हो गया हूँ, ऐसे मन का बिलीफ जी, विश्वास ऐसा हो गया कि नहीं ऐसा ही है जी, फिर उससे कमजोरी आना चालू हो जाता है, फिर वो खाना कम कर देता है तो उससे और कमजोरी आती है, फिर गाल बैठ जाते हैं और फिर सब वो विशेष साइकिल जो है चक्रव्यूह उसमें वो फंस जाता है। यानी हस्तमैथुन से शारीरिक कमजोरी का कोई संबंध नहीं है, तो डॉक्टर साहब मानसिकता पर कुछ फर्क पड़ता है उससे? उसे मानसिकता मतलब ऐसा है कि उसको यदि अपने कल्चर में अपने संस्कार में अपने समाज में ऐसा है कि भाई नहीं करना चाहिए तो फिर उसको डिप्रेशन आता कि मैं कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ, हीन भावना से कहीं हीन भावना आती है, आ जाती है हाँ, और फिर मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था जी, ऐसा फिर उसको लगता है और फिर वो उसमें डिप्रेशन का शिकार होता है, या फिर उसको एंग्जाइटी आती है ना, बहुत टेंशन, घबराहट, एंग्जाइटी वो आना शुरू हो जाता है, फिर वो कहीं वैद्य के पास में चले जाता जी, कोई पेपर में जाहिरात आती है कि लिंग बड़ा करना है तो हमारे पास में ये मशीन है जी, जी, है ना, उसको लगता है कि अपना लिंग कमजोर हो गया, लिंग में कड़क पना नहीं आ रहा है जी, है ना, तो फिर वो पेपर में जो जाहिरात है वहां चले जाएंगे वो, फिर वो उसको बोलेगा कि नहीं तूने बहुत हस्तमैथुन कर दिया, बहुत गलती किया है और ऐसी गलती नहीं करना चाहिए था, फिर उसको और डिप्रेशन आता है जी, जी, वो चक्र में फंस जाता है। डॉक्टर साहब मान लीजिए कोई एक युवक है जो हस्तमैथुन का आदी है, आदि यानी वो रोज एक दो दिन में या रोज संभोग हस्तमैथुन करता है, लेकिन शादी के बाद वो संभोग में सफल रहेगा कि कहीं तो भी उसके हाँ तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है जी। देखो हस्तमैथुन में होता क्या कि समझो ऐसा लिंग है और हाथ से वो ऐसा कर रहा है, ऐसा घर्षण कर रहा है जी, लिंग के ऊपर जी, तो ये प्रक्रिया जो है हस्तमैथुन की, अभी यही प्रक्रिया शादी के बाद में स्त्री के साथ में होती है जी, बिल्कुल हस्तमैथुन में हाथ ऊपर नीचे हो रहा है जी, जब मतलब लैंगिक मतलब उसका समागम जो होता है, क्रिया जो होती है उसमें लिंग अंदर बाहर हो रहा है जी, बिल्कुल, तो वो है सरी गई जी, एक्चुअली इसमें हाथ है उसमें लिंग हो रहा है, बाकी उसमें फर्क कुछ भी नहीं है जी, तो हस्तमैथुन करने से शादी के बाद में कुछ भी प्रॉब्लम आता नहीं जी, प्रॉब्लम आता है सिर्फ यहाँ दिमाग में जो कमजोर है कि मैं कमजोर हो गया हूँ, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ये होगा नहीं, ये संभव नहीं है, अब मेरा कैसा होगा, किंतु परंतु परंतु घबराहट हो रही है और ऐसी घबराहट होने के बाद में मधुचंद्र कि रात को जाता है जी जी, तो उसको प्रॉब्लम आ जाएगा जी, और वो कुछ दोस्तों का जो सुने हुआ कुछ सुने हुआ रहता कि भाई तूने बहुत बार किया हुआ ऐसा जी जी, या कहीं पढ़ा रहता किताबों में, येलो बुक्स आती है जी जी, बस स्टैंड के ऊपर मिलती है, रेलवे के ऊपर मिलती है जी, ऐसे उसका मालूम नहीं कौन राइटर है कौन लेखक है जी, और ऐसे काफी सारी किताबें आपको मिल जाएंगी उसमें लिखा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, धातु कमाना नहीं चाहिए जी, बिल्कुल। और मैंने जो किताब लिखी है उसके ऊपर जी, उसमें मैंने क्लियर कट लिखा है, मैंने किताब जो लिखी है आनंदी वैवाहिक जीवन करके किताब है जी जी, तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि हस्तमैथुन करने से कुछ भी होता नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, ये बिल्कुल करना चाहिए, नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल। यानी कि जो भी अगर ऐसे कुछ समस्याओं से जूझ रहे कहीं तो भी मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो उन लोगों ने भ्रामक विज्ञापनों में न पड़ते हुए जो इसके विशेषज्ञ डॉक्टर है उनसे सलाह जरूर लेना चाहिए, बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप इतने सालों से इस विषय को लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफी सफल प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो डॉक्टर साहब यानी शारीरिक का जो हम बोलेंगे इसमें शारीरिक या मानसिक जो भी सेक्स की जो बीमारियां हैं वो शारीरिक कितने प्रमाण में है और मानसिक कितने प्रमाण में होती है? देखो ये ऐसा है कि 40 साल की उम्र के पहले जी यदि कोई बीमारी सेक्स की होती है जी जी, तो ज्यादातर वो मानसिक रूप के मतलब मानसिक कारण से है जी, 40 साल के पहले जी कुछ होती है तो ज्यादातर मानसिक कारण है, 40 साल के बाद में यदि कुछ हो रहा है जी और वो पहली बार हो रहा है तो हो सकता है कि उसके लिए शारीरिक कारण हो सकता है जी, है ना, नपुंसकत्व वो जो आता है जी, और लिंग में कड़कपना नहीं आता उसके लिए फिर शारीरिक कारण हो सकता है जी, और वो कारण काफी सारे हो सकते हैं कि भाई पीठ में कुछ तभी प्रॉब्लम आना जी जी, पीठ की नस दब जाना जी जी, या अपनी जो मतलब जिसमें खून बह रहा है ब्लड वेसल्स जी जी, तो ब्लड वेसल में वो छोटी हो जाना जी जी, ऐसे काफी सारे कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से खून जी जो है वो लिंग में पहुंचता नहीं है जी, बिल्कुल, और लिंग में खून पहुंचा नहीं तो फिर वो लिंग में कड़कपना आता नहीं जी, बिल्कुल।
डॉक्टर साहब, हमारा विषय तो सेक्स का था, लेकिन और कई विषय इसके अंदर आए। हम फिर जो आपका अगला जो कार्यक्रम होगा, फिर हम एक और कोई नए विषय भी लेंगे। आशा हमारे दर्शकों को हमारा कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे डॉक्टर दीपक किलकस एक्सक्लूसिव में। तब तक के लिए नमस्कार।